गरीब चिड़िया का जन्मदिन। एक गांव में रिंकू नाम की छोटी सी चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही सीधी सादी चिड़िया थी। एक दिन दूसरी चिड़िया का जन्मदिन बहुत ही जोर शोर से मनाया जा रहा था। दूर से रिंकू चिड़िया यह देख रही थी। वह गरीब थी, इसलिए उसे बुलाया भी नहीं गया था। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप मुझे केक लाके दोगे? तो माँ कहती है, बेटा, हम अपना गुजारा जैसे तैसे करते हैं, अपना पेट पाल लें वही काफी है, केक तो बहुत दूर की बात है। वह चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती। जंगल के रास्ते में टूटी हुई जा रही थी। वह थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। जिस पेड़ पर वह बैठी थी वह एक जादुई पेड़ था। चिड़िया को उदास बैठा देख जादुई पेड़ बोलता है कि, चिड़िया रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? चिड़िया आवाज सुनकर सोच में पड़ जाती है। तब पेड़ कहता है कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ जिस पर तुम बैठी हो। तब चिड़िया जो हुआ जादुई पेड़ को सब कुछ बताती है। तो पेड़ कहता है कि तुम मेरी एक टहनी ले जाओ, तुम इस टहनी से जो मांगोगी वो ये तुम्हें देगी। रिंकू चिड़िया खुशी खुशी जादुई पेड़ की टहनी को लेकर अपने घर लौट आती है। घर आकर जादुई पेड़ की सब बात अपनी माँ को बताती है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। जब उसका जन्मदिन आता है तब वह सभी चिड़ियाओं को अपने जन्मदिन पर बुलाती है और जादुई टहनी से केक, बर्गर, आइसक्रीम, खाने का सामान मांगती है। जादुई टहनी सब सामान दे देती है। इस तरह रिंकू चिड़िया अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाती है।